दिल्ली सरकार में लगता है उथल पुथल होने वाली है। दिल्ली में केजरीवाल के करीब 40 विधायक उनसे नाराज हैं और जल्दी पार्टी छोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है, पर अरविंद केजरीवाल की वर्किंग स्टाइल और बयानबाजी के तरीकों को अगर देखें तो ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल दिल्ली के सेल्फ प्रोक्लेम्ड मालिक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने के लिए करोड़ों का ऑफर दिया है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली सरकार गिराने की साजिश रच रही है। वो कह रहे हैं कि सिसोदिया को सीएम बनने के लिए ऑफर दिया गया है। समझ रहे ना आप, केजरीवाल सरकार के घोटालों से लेकर अब तक के किसी भी कॉन्ट्रोवर्सीज पर अगर नज़र डालिए तो पैटर्न कुछ ऐसा ही रहा है। जैसे ही केजरीवाल को लगता है कि उनकी पोल खुलने वाली है, वो कुछ ऐसा ही राग छेड़ देते हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन वाला मुद्दा हो या फिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच या फिर अब तक का कोई भी इशू। जैसे उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, इस तरह के हथकंडे वो अपनाने लगते हैं। तो क्या इस बार केजरीवाल के विधायकों के बीच फूट पड़ चुकी है और केजरीवाल सरकार गिरने वाली है?